नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस एलिवेटर से आदित्य प्रजापति, मेरा यूट्यूब चैनल आर एस एलिवेटर एंड टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक साइड पर आया हुआ था, गेयरलेस मेरी मशीन है और गेयरलेस ही लिप है। इसमें क्या हो रहा है कि लेवल से नीचे निकल रही है अपनी लिप। इसमें क्या हो रहा है कि मैं ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा हूँ, मेरा ये ग्राउंड फ्लोर है, 4% ओनली लिखा हुआ है। तो ये देखो, लिफ्ट बिल्कुल लेवल से, ये अपना लेवल है और लेवल से कम एक फिट नीचे, आधे फिट से नीचे, ज़्यादा नीचे गई हुई है। तो ये लेवल मार गई है। इसमें क्या हुआ कि 7 पैसेंजर, कितने पैसेंजर बैठे थे, 7 पैसेंजर इसके अंदर बैठ गए थे, तो इस वजह से ये फाइनल मार गई है। तो अपन इसको ऊपर कैसे लेते हैं और ये लेवल से ऊपर कैसे उठाते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए अपन ऊपर फ्लोर पर चलते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, लिफ्ट वालों को तो वैसे भी पैदल ही चलना पड़ता है अगर कोई कंप्लेन आ जाती है तो, अगर ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वही पैनल रूम में जाना पड़ेगा। और ये मेरा फर्स्ट फ्लोर 103 दिख रहा होगा, फर्स्ट फ्लोर, 4% ओनली लिखा हुआ है, फिर भी बंदे साथ साथ इस पर चढ़ जाते हैं, तो अपन को सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। 7 फ्लोर तक बहुत ऊपर हो जाता है। ये सेकेंड फ्लोर अपन पार कर गए, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर, ये फिफ्थ फ्लोर। सांसें फूलने लग गई हैं दोस्तों। अरे अरे, आगे भी ये सिक्स्थ फ्लोर, ये सेवन फ्लोर, G+7 है। अब इसके बाद ये टॉप फ्लोर है, इसके बाद अपन चलते हैं मशीन रूम में। ये अपन टॉप में आ गए, ये मेरा मशीन रूम है, भैया लोग खुल रहे हैं, सांस फूल गई, बहुत भयंकर, बहुत परेशान हो। ये अपन ने गेट ओपन कर दिया, ये अपनी मशीन है गेयरलेस और ये अपना पैनल है गेयरलेस वाला। तो अभी सिस्टम ऊपर है, पैनल खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये पैनल ऑफ पड़ा है, अब मैं इसको ऊपर लेता हूँ। तो ये गेयरलेस है, ये अपना मैनुअल ब्रेक रिलीजर है। तो ये देखो, मैं ऊपर की तरफ लूंगा, इसको पकड़ो। तो ये मैनुअल ब्रेक रिलीजर आपको मिलेगा सभी मोटरों में, इसको मैनुअल ब्रेक रिलीजर बोलते हैं। अपन मैनुअली ब्रेक को रिलीज कर सकते हैं, जैसे ही मैनुअली ब्रेक रिलीज करेंगे अपनी मोटर रन करेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि वेट अपना इधर लिफ्ट लटका हुआ है, तो वेट अपनी लिफ्ट ऊपर की तरफ आएगी। अगर टॉप फ्लोर पे लिफ्ट फाइनल मार जाती है तो इस सिचुएशन में इससे नहीं लेता, फिर उसको अपन पैनल से लेते हैं। अपने ग्राउंड फ्लोर पे फाइनल मारी है, मतलब नीचे की तरफ बॉटम में, तो इसको इससे से लेंगे। देखो, मैं जैसे ही रिलीज को, इसको ब्रेक रिलीजर को प्रेस करूंगा, इसको खींचूंगा, मोटर ऊपर की तरफ आने लगी है। वो देखो, धीरे धीरे मोटर आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, और मतलब लेवल से मैं ऊपर ले लूंगा। काफी है, मेरे हिसाब से काफी आ गया है ये, इतना ही मेरा एक पिक मारा हुआ था। अब मैं इसकी एंट्री नीचे से बंद कर रखी है भैया ने, तो एंट्री ऑन करवाता हूँ। ये पैनल अपना ऑन हो गया है, ये देखो मैंने MCB चालू करवा दिए हैं, और लिफ्ट रन करेगी, ग्राउंड की तरफ जाएगी, क्योंकि ग्राउंड पे नहीं खड़ी, ऊपर ले लिया अपन ने, ये डोर जोन नहीं मिल रहा, ये डोर जोन की LED आती है, ये ऑन हो जाएगी जैसे लिफ्ट नीचे की तरफ ऑन होएगी। सेफ्टी सारी क्लियर है, डोर क्लोज लिमिट मिल गया है, ये मोटर नीचे की तरफ रन कर रही है ये देखो, और ये जैसे ही डोर जोन की LED ऑन होएगी लिफ्ट रुक जाएगी, ये डोर जोन LED ऑन हो गई, ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट पहुँच गई है। तो इस प्रकार से अपन लिफ्ट को रिलीज, मैनुअली ब्रेक रिलीज करके और लिफ्ट को ऊपर ले सकते हैं, और ये अपनी लिफ्ट चालू हो गई है। तो ये भैया को मैंने समझा दिया, इस प्रकार से लिफ्ट को ले लेनी है, ले लोगे ना भैया ऊपर आराम से, इसको जैसे नीचे चली गई तो इसको हल्का सा, मतलब यू खींचेंगे ना अपन इस तरफ, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ घूमेगी, ज़्यादा ऊपर नहीं लेना, कम से कम 1 या 2 फीट ऊपर लेना है। और अगर नीचे से MCB चालोगे ना तो ऑटोमेटिकली लिफ्ट ऑन हो जाएगी, ऑन होते इसको छोड़ देना। तो ये सिचुएशन है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन गेयरलेस मशीन को अपनी फाइनल मारती है। तो इस सिचुएशन में अपन गेयरलेस मशीन को ऊपर ले सकते हैं और लिफ्ट को चला सकते हैं इमरजेंसी में, अगर टेक्नीशियन नहीं पहुंचे तो भी इमरजेंसी में फाइनल मारने पे ये अपन कर सकते हैं। तो ये वो अलग सिचुएशन होती है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि लिफ्ट अगर बीच में अटक रही है तो किस सिचुएशन में क्या है क्या नहीं है, उसका डोर में प्रॉब्लम आ रही है या क्या सिचुएशन है, वो सेफ्टी देखना पड़ता है। तो ये है दोस्तों, और अगर जैसे लिफ्ट अपनी टॉप फ्लोर पे फाइनल मार गई तो अपन को क्या करना है, 110N, ये पैनल, इस पैनल की बात कर रहा हूँ, ये फाइनल सेफ्टी है, 110N 110N
ये क्या करना है, ये दोनों है ना, अगर जैसे ऊपर की तरफ आ गई, ऊपर लेवल से ऊपर जैसे निकलती नहीं है पर निकल गई जैसे मान लो, तो 110N को शॉर्ट करना पड़ता है ये वायर दोनों। अच्छा, ये दोनों वायर है तो यहाँ पे 110N लिखा हुआ है और यहाँ पे 110N लिखा हुआ है, दोनों वायरों में जैसे अपन लगाएंगे तो अपना पैनल ऑन हो जाएगा अभी।